बहुत लोग बोलते हैं ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग बहुत ज्यादा है, ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन नहीं करो कैरियर खराब हो जाएगा, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऐसा बढ़ा कि वहां बच्चे डर गए। 1.5-2 कंपनी तो जा जाके विजिट करके 8-10 बच्चे ऐसे ले रही है, मोस्टली लगभग 80 में से 40-50 बच्चे तो दूसरी फॉरेन कंपनीज में निकल जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, हम मैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और हम लोग आज बात करेंगे ग्रेट ईस्टर्न के बारे में। जी हाँ, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज और इनका खुद का कंपनी है जिसको बोलते हैं जिसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। न्यूज क्या आते हैं, मतलब ग्रुप्स में बातें चलती हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अभी तो बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि अभी ग्रेट ईस्टर्न का टेस्ट और टेस्ट स्टार्ट हो गया और इंटरव्यू भी कुछ दिन में हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ग्रेट ईस्टर्न के शिप्स बहुत पुराने हैं और उनमें कैडेट्स का ट्रीटमेंट सही नहीं है। कुछ तो टेलीग्राम पे हम देखें कि कुछ अपने आप को ग्रेट ईस्टर्न कैडेट भी बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन नहीं करो कैरियर खराब हो जाएगा, ग्रेट ईस्टर्न अपने कैडेट्स का कैरियर बर्बाद कर देते हैं। सो ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं सुनने में, तो इसी बारे में बात करेंगे क्या ये सच है झूठ है और अगर सच है तो कितने हद तक सच है। सो अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें IMUCT की, स्पॉन्सरशिप की, इंटरव्यू की, तो आप कॉन्टैक्ट दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पे कॉन्टैक्ट करके हमारा IMMET का बैच ले सकते हैं। हमारा IMMET का बैच का फी बहुत कम है और हमारा रिजल्ट आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी तक हमारे लास्ट फेब बैच में लगभग 80 से ज़्यादा बच्चे स्पॉन्सर्ड हुए थे और लास्ट अगस्त बैच में 220 से ज़्यादा बच्चे स्पॉन्सर्ड हुए थे। अभी मोस्टली हर कंपनी में इंस्टीट्यूट में हमारे 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे IMMET के। तो चलिए वीडियो पे आ जाते हैं। ग्रेट ईस्टर्न, हम खुद ग्रेट ईस्टर्न से पढ़े हैं और कैडेटशिप भी मेरा ग्रेट ईस्टर्न में हुआ है, तो मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता है ग्रेट ईस्टर्न के बारे में और क्या है। जितने भी ये लोग जो मैसेज करते हैं आपको ग्रुप में और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा न्यूज़ लेके आते हैं, तो एक चीज़ हम बता दें, कभी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए PCM सबसे कम चाहिए। जो DG शिपिंग का रिक्वायरमेंट है 60%, वही ग्रेट ईस्टर्न का भी रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में अप्लाई करते हैं। जी हाँ, 60% वाले भी अप्लाई करते हैं, 70% वाले भी करते हैं, 80% और 90% सब करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप ग्रेट ईस्टर्न का होता है। अब जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी वही होगा। हाँ, वो अलग चीज है कि बहुत बच्चे जिनका हाई PCM होता है उनका दूसरे जगह हो जाने के बाद वो ग्रेट ईस्टर्न छोड़ देते हैं, ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को चांस मिलता है। बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो ग्रेट ईस्टर्न में लो PCM वाले रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है और लो PCM वाले को कम चांस मिलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं और इसी वजह से लो PCM वाले भी रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लो PCM वाले ही जाते हैं, हाई PCM वाले भी रहते हैं। बट बाकी कंपनीज और इंस्टीट्यूट की तरह ये लोग ये नहीं देखते हैं कि हाँ तुम्हारा 80% है, तुम्हारा ज़्यादा PCM है तो हम तुमको शॉर्टलिस्ट करेंगे, कम PCM वाले की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ बनता है इनका मेरिट लिस्ट बनता है वो मोस्टली इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे ही बनता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो तो आपका ग्रेट ईस्टर्न में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज है, बाकी ये जो अफवाह आता है क्या ग्रेट ईस्टर्न अपने कैडेट्स का कैरियर बर्बाद कर देता है क्योंकि वेटिंग का और स्टाइपेंड भी बोलते हैं लोग बहुत कम है। देखो, सबसे पहले चीज तो स्टाइपेंड मैटर ही नहीं करना चाहिए कैडेटशिप में। हाँ, कुछ कंपनीज ज्यादा देती हैं, अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो कंपनी कम दे रही है वो खराब हो गई। ग्रेट ईस्टर्न का सैलरी स्केल ऑफिसर्स में अच्छा है और टॉप 4 का तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली मैनेजमेंट कंपनीज से तो ज़्यादा पे करती है ग्रेट ईस्टर्न टॉप 4 में, क्योंकि तो हम अभी जहाँ हैं वहाँ हम देखते हैं टॉप 4 का उससे ज़्यादा था हमारे, मतलब जब हम कैडेट थे ग्रेट ईस्टर्न में तब उनका सैलरी। वो सब ठीक है, अब आ जाते हैं वेटिंग पे।
वेटिंग, जब हम ग्रेट ईस्टर्न में कैडेटशिप के लिए गए थे तो मेरा पहला वेटिंग था 10 महीने का, और मेरा कैडेटशिप स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा कोर्स खत्म हुआ था 15 जनवरी को, 11 जनवरी को फर्स्ट शिप मिला था हमको, 21 अक्टूबर को, एंड देन मेरा कैडेटशिप खत्म हो गया था 11 अगस्त को। ठीक है, पहले शिप के लिए बस वेटिंग था 10 महीने, दूसरा शिप 2 महीने में मिला कैडेटशिप कंप्लीट। पहला शिप हम किए 10.5 महीने, फिर 9 महीने करके, और जब हम सेकेंड मेट का रिटर्न क्लियर करके ओरल का तैयारी कर रहे थे तब भी हमारे जो फेब जनवरी बैच था उस टाइम, तब दूसरे कंपनीज और इंस्टीट्यूट के बच्चे कैडेटशिप कंप्लीट करके आ रहे थे, मतलब कि पहला वेटिंग होने के बाद भी हमारा कैडेटशिप पहले खत्म हुआ, और हम लोग मेरे बैच के लगभग सभी लोग 5 साल के अंदर थर्ड ऑफिसर बन गए थे ग्रेट ईस्टर्न के। अब आ जाती है वेटिंग पीरियड बढ़ा कैसे। ग्रेट ईस्टर्न जब हम लोग ज्वाइन किए थे 2018 में जनवरी में, तब हमारा जो पास आउट बैच हुआ था, मतलब हम TNFC 25 से थे, तो TNFC 23 का जो पास आउट बैच था वो अप्रैल तक 40 के 40 बच्चे जहाज पे थे, मतलब वेटिंग था ही नहीं, वेटिंग जीरो। मार्च में रिजल्ट आया, अप्रैल के एंड तक सारे बच्चे जहाज पे। बट ये वेटिंग बढ़ा कैसे, वेटिंग बढ़ने का रीजन था एक दूसरे कंपनी। ग्रेट ईस्टर्न में हमेशा पहले क्या होता था कि अभी भी अगस्त बैच में 80 बच्चे आते हैं, तो पहले के जो 40 बच्चे होते थे वो एक दूसरे कंपनी से स्पॉन्सर्ड होके आते थे, 40 बच्चे ग्रेट ईस्टर्न के रहते थे, 40 बच्चे दूसरे कंपनी के रहते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस कंपनी का वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ऐसा बढ़ा कि वहाँ बच्चे डर गए। 1.5 साल से लेकर 2 साल वेटिंग हो गया था उस कंपनी का। तब उस टाइम ग्रेट ईस्टर्न उन सभी बच्चों को वापस लिया और फिर अपने जहाज पर भेजा। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट कंपनी ये चीज नहीं करेगा कि जो दूसरे कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उसको वापस से लेके फिर से उसको अपने जहाज पर भेजने का रिस्क कोई नहीं लेता। ग्रेट ईस्टर्न ये रिस्क लिया, उसके वजह से हम लोगों का वेटिंग बढ़ा, थोड़ा सा मेरा बढ़ा, हम लोग का बढ़ा, हमारे सीनियर्स का थोड़ा सा बढ़ा, और फिर पीछे थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, फिर कोविड आया उसके वजह से और बढ़ा। ठीक है, जो कि अभी बहुत जल्दी से तेजी से रिड्यूस भी हो रहा है, और मोस्टली ग्रेट ईस्टर्न में तो अभी BSM आती है, BSM बच्चों को ले जाती है, गुड उड़ा के ले जा रही है, फ्लीट मैनेजमेंट जा रही है, सीस्पैन जा रही है, 4-5 कंपनीज तो जाके विजिट करके 8 बच्चे 10 बच्चे ऐसे ले रही है। मोस्टली लगभग 80 में से 40-50 बच्चे तो दूसरे फॉरेन कंपनीज में निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फायदा है ग्रेट ईस्टर्न में। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई फॉर्म मत भरो, ग्रेट ईस्टर्न बेकार है, बहुत बच्चे तो इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन नहीं लेते हैं ये सोच के कि बेकार इंस्टीट्यूट है, बेकार कंपनी है, और ये सभी होता है कुछ चालाक बच्चों की वजह से। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो रियल कैंडिडेट होते हैं या नहीं, वो बस आके भड़का के चले जाते हैं, जिनके वजह से वो नहीं लेते हैं एडमिशन, उसके बाद से किसी और को चांस मिल जाता है। जैसे जिसका वेटिंग में है वो ही भड़काएगा ताकि वो ना ले, और वो अगर एडमिशन नहीं लेगा तो पीछे वाले को मिल जाएगा। सो ऐसा ही होता है, हमारे भी बहुत बच्चे हैं ग्रेट ईस्टर्न में। अभी फरवरी बैच में हमारे IMU मेट से फरवरी बैच में टोटल 40 बच्चे हैं ग्रेट ईस्टर्न में, जिसमें से 13 स्टूडेंट हमारे IMU मेट के, लगभग 33% बच्चे तो हमारे IMU मेट के हैं। वही अगस्त बैच में 80 में से लगभग 26-27 हमारे IMU मेट से, तो ये भी समझ सकते हो कि हमारा IMU मेट का प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। और सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न ही नहीं, सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा है हमारा रिजल्ट। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अच्छे से स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो और IMU CT में अच्छा रैंक लाओ, सो ज्वाइन करो IMU मेट हमारा नेक्स्ट बैच, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा उनके लिए जिनका प्रिपरेशन अभी भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ और सोच रहे हैं कि डाउट है कि होगा नहीं होगा। तो आप आओ IMU मेट ज्वाइन करो और एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, बाकी ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल करना है, ग्रेट ईस्टर्न हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सबका फॉर्म फिल करो, सबका इंटरव्यू दो, जो क्लियर हो जाए, 3-4 कंपनी क्लियर हो जाए, फिर डिसाइड करो अच्छा कौन है खराब कौन है। पहले ही क्यों पीछे हटना कि नहीं वो अच्छी कंपनी नहीं है हम उसमें नहीं जाएंगे,
तो ये सब भड़कावे में मत आओ, ठीक है? अच्छी कंपनी है, इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।